अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है थ्योरम 7.5, जिसमें आरएचएस कॉन्ग्रेंस रूल हमने प्रूव करना है। आरएचएस कॉन्ग्रेंस रूल को इसने आगे डिफाइन कर रखा है, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स। आर का मतलब क्या हुआ इसमें, राइट ट्रायंगल्स, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड, और एस का मतलब है एक साइड। अगर दो राइट ट्रायंगल्स में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, वन ट्रायंगल किसी एक ट्रायंगल की आर इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल की अगर हाइपोटेन्यूस और साइड्स किसी दूसरी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस और साइड्स के इक्वल होते हैं और दोनों ही राइट ट्रायंगल हैं, देन दी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है। यानी दो ट्रायंगल्स राइट एंगल हैं, तो एक ट्रायंगल को तो एबीसी नाम दे देते हैं, दूसरी ट्रायंगल को डी ई एफ, और दोनों किस टाइप की है ये राइट ट्रायंगल, डी ई एफ। एक में राइट एंगल ई पे दिखा लिया और इसमें बी पे दिखा लिया। फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी, दोनों राइट एंगल होनी चाहिए। फिर एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस और एक साइड, जैसे इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस ये बनेगा राइट एंगल के अपोजिट, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस ये बनेगा, तो दोनों में एक तो हाइपोटेन्यूस होना चाहिए और एक साइड। अब इसमें हाइपोटेन्यूस के अलावा दो साइड्स बच रही है, तो कोई भी एक साइड इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यूज कर ली बी सी, इस ट्रायंगल की ईयर, इसमें गिवन के अकॉर्डिंग एक एक साइड जो लेनी है वो बी सी और ई एफ इक्वल ले ले। तो गिवन में क्या लिखे, टू राइट ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स, एक का नाम हो गया ए बी सी एंड दूसरी का हो गया डी ई एफ, सच दैट दोनों राइट हैं, इसके साथ साथ हाइपोटेन्यूस इक्वल है इनमें ए सी और डी एफ, एंड एक एक साइड है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये है गिवन। इसमें प्रूव क्या करके दिखाना है, टू प्रूव अगर ऐसा है तो बोथ दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट बनेगी ट्रायंगल डी ई एफ। इसका प्रूफ, प्रूफ से पहले इसमें कंस्ट्रक्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका प्रूफ देंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने दोनों में से किसी एक ट्रायंगल के साथ करवा लेनी है, और कंस्ट्रक्शन कैसे करवाएं, जैसे हमने एबी को प्रोड्यूस करवाना है तो इस टाइप से प्रोड्यूस करवाएं कि जितना इसको हम प्रोड्यूस करवाएंगे वो डी ई लेंथ के बराबर हो। तो जैसे हमने इसको प्रोड्यूस करवाया एच पॉइंट तक मान लिया, तो बी से एच किसके बराबर आना चाहिए, बी एच इज इक्वल टू डी ई। हम इसको इसके एंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करवा देते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन लिखी हमने, कंस्ट्रक्शन में लिखा प्रोड्यूस ए बी, ए बी टू पॉइंट एच, सच दैट ए बी ये सॉरी बी एच इज इक्वल टू डी। अगर हम ऐसा करवाते हैं तो अपने पास अब ये ट्रायंगल और ये जो नीचे दिख रही है बी सी एच, ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगी। किस रूल से, गिवन के अकॉर्डिंग बी सी ई एच के इक्वल हो जाएगा प्रूफ, बी सी इज इक्वल टू ई एच, ये गिवन से हो जाएगा। इसके अलावा अपने पास कंस्ट्रक्शन से बी एच इक्वल बना लिया हमने डी ई के, ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके अलावा अपने पास दो साइड्स यूज की है तो बीच में जो एंगल आएगा वो बी होगा इसमें, और बी पे जो एंगल हो गया उसको क्या लिख सकते हैं, सी बी एच फर्स्ट एंगल में, तो और दूसरे में इन दोनों में कॉमन पॉइंट ई बना है। इसका मतलब जो साइड्स यूज की है उसमें इंक्लूडेड एंगल ई वाला है, उसको डी ई एच।
इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं जिसमें ये साइड इसके कंस्ट्रक्शन से इक्वल बन गई, ये साइड गिवन के इक्वल थी और दोनों साइड्स के बीच में इसमें ये एंगल आया और इसमें ये, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 के इक्वल थे। इसलिए अब ये इस एंगल की हम बात करें, इसकी टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल आ रहा है इसकी टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के, इसलिए बोथ दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस एक्सिम। देयरफॉर ट्रायंगल, या इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि बी सी एच कॉन्ग्रुएंट, इन ऊपर वाले रीजन ना दिखाते और इनको ऐसे ही लिख देते, ट्रायंगल बी सी एच कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी के इक्वल कौन सा एंगल आया है, ई वाला, और बीसी साइड के इक्वल कौन सी बनी है, बीसी के इक्वल हमने लिखी है ई एफ और डी, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होने चाहिए ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो कॉन्ग्रुएंट्स का नाम लिखेंगे तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। जैसे हमने नाम लिखते वक्त बी राइट एंगल था इसमें, तो उसमें राइट एंगल ई पे था, बीसी साइड इक्वल किसके बन रही थी, ई एफ के, तो फिर ई के बाद क्या आना चाहिए था, एफ, और फिर डी आ गया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या आने चाहिए, इक्वल, तो एच वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी के। इस एच एंगल को हमने डी के इक्वल प्रूव कर दिया, देयर फोर एंगल एच इज इक्वल टू एंगल डी। अगर हम कॉन्ग्रुएंट है तो डी एंगल को ए के इक्वल प्रूव कर दें, तो ये जो स्टार्टिंग में जो ट्रायंगल्स ली थी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकती हैं। उस चीज को हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले इनको इक्वल प्रूव कर लेते हैं हम। अब एंगल ए किसके इक्वल प्रूव करना है हमने, डी के, तो एंगल डी आया किसके इक्वल है, एच के। अब ए को भी किसके इक्वल दिखा देते हैं, एच के। अब इसको एच के इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में अगर जो हम बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए सी एच की, जो कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है ए सी एच, और हम क्या कह रहे हैं कि इसमें ए को एच के इक्वल हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ए के इक्वल एच आए तो ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो दो एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट ये ए सी साइड बनेगी और ए के अपोजिट सी एच। अगर ए सी और सी एच इक्वल प्रूव हो जाए तो एंगल ए एच के बोला जा सकता है, तो हम ए को एच के इक्वल बोलने के लिए क्या प्रूव करें, एस सी इज इक्वल टू सी एच। अब यहां से जो अपने पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई है उसके अकॉर्डिंग जो सी एच बनेगी वो किसके इक्वल आएगी, एंड सी एच इज इक्वल टू इसके कोरस्पोंडिंग क्या बनेगी, एफ डी, और एफ डी गिवन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल था, या डी एफ बोल दे या एफ डी एस सी के। इसका मतलब डी एफ एस सी के भी इक्वल और सी एच, तो सी एच और एस सी दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं, तो आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। दिस इंप्लाइज एस सी इज इक्वल टू सी एच, तो इन ट्रायंगल ए सी एच, यहां लिख सकते हैं हम इन ट्रायंगल ए सी एच, एस सी इज इक्वल टू सी एच, ये चीज हमने प्रूव करके दिखा दी, एस सी इज इक्वल टू सी एच। देयर फोर एंगल ए किसके इक्वल लिखा जा सकता है, एंगल एच के। और इससे पहले हमने एंगल डी को भी किसके इक्वल प्रूव किया था, एंगल एच के। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अब इस पे आते हैं हम, तो जो इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे थे उनमें एक एक तो 90 मिल गया और एक एक साइड, दो साइड्स यूज हो रही थी हाइपोटेन्यूस और ये, लेकिन इसमें बीच का एंगल नहीं था अपने पास सी वाला। अगर दो साइड्स यूज करें तो उनके इंक्लूडेड एंगल्स अगर इक्वल हो तभी दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोला जा सकता था, लेकिन इसने साइड ये दे रखी थी और एंगल ये यूज हो रहा था। अगर हम सी को एफ के इक्वल प्रूव करवा पाते, क्योंकि इन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल्स एफ बन रहा था, अगर सी एफ के इक्वल होता तो एस एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते। अब इनको हम अगर ये दोनों एंगल्स हम इन्हें इक्वल प्रूव करवा लिए, तो साइड अगर ये यूज करें और एंगल्स ये यूज करें, इसको इंक्लूड करने वाले नहीं है ये, तो ए एस ए रूल नहीं बन रहा है यहाँ पे, ए एस ए। अगर ये दोनों एंगल्स
इन दोनों एंगल्स के इक्वल हैं, तो बचा हुआ जो अपने पास सी एंगल है वो किसके इक्वल आएगा, एफ के। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इक्वल आ सकता है। तो इसका मतलब अगर हमने ये दोनों इक्वल प्रूव करवा दिए तो सी को हम एफ के इक्वल लिख सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अदरवाइज हम इसको अगर ये थ्योरम आपने प्रूव कर दी है तो इसका कैलोरी पार्ट, जैसे इसमें हमने कहा कि अगर ऐसा हो गया दो एंगल्स इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल इक्वल आ जाएगा, तो हम ए ए एस से भी ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर ये रूल होल्ड हो रहा है तो ए एस ए भी होल्ड हो जाएगा कि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा तो इस साइड को इंक्लूड करेगी, ये दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड ये भी इक्वल हो जाएगी। यानी अगर ये दोनों एंगल्स फिर इक्वल प्रूव हो जाए, इसमें फिर ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाए, तो कौन सा रूल बन जाएगा, ए एस ए। यानी हमने बनाया कौन सा था, ये, और इससे बन कौन सा सकता है फिर ऊपर वाला। यानी इसका मतलब अगर हम ये रूल भी अगर प्रूव कर लेते हैं ए एस, लेकिन बोथ साइड सेम होना चाहिए फिर, वो ऐसा नहीं है कि इस साइड में तो ए एस बने इस एंगल पे और इस पे ए एस ए बने, दोनों में सेम रूल लागू होना चाहिए, या तो ए एस लागू होना चाहिए दोनों पे या ए एस ए, तो दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट लिखा जा सकता है। अब अपने पास ए एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल बी इक्वल हो गया किसके, एंगल सी के, ये सॉरी एंगल बी किसके इक्वल हो गया, ई के, ये तो हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड लिख सकते हैं इसको, और ये इस 90 थे। अब इस एंगल में कोई भी एक साइड हम यूज कर लें और अब लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू टी एफ, ये गिवन के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्रायंगल्स को अब कोंग्रुएंट प्रूव करवाएं हम, तो दोनों में ए एंगल डी के इक्वल दिखा दिया, बी ई के इक्वल, बी सी ई एफ के इक्वल। अब एक साइड और दो एंगल्स हमने इक्वल यूज कर लिए, लेकिन जो साइड यूज की है उसके इंक्लूडेड एंगल नहीं है, तो रूल कौन सा बनेगा, ए ए एस, तो दो देयर फोर ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल्स की एंगल और साइड है और ये डी ई एफ की, कोंग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाई ए ए एस रूल, या सी एंगल को एफ के इक्वल दिखा के फिर एस ए एस रूल भी हम इसको कोंग्रुएंट लिख सकते हैं।